अस्सलाम वालेकुम क्लास फोर स्टूडेंट्स, आप सब लोगों को उर्दू के पहले लेक्चर में खुश आमदीद है। आज हम आपकी बुक का पेज नंबर 80 पढ़ेंगे। उसके ऊपर दिया हुआ है जैन का ख्वाब, तो हम जैन का ख्वाब पढ़ेंगे यहाँ पे। अपने अपने बुक्स के ऊपर, उर्दू की जो पंजाब टेक्स्ट बुक है उसके मुताबिक अपने अपनी बुक्स के ऊपर ये आप निकाल लीजिए। ये तो बेटा आप पढ़ना शुरू करते हैं। कहानी जो आज हम पढ़ रहे हैं उसका नाम है जैन का ख्वाब। जैन का ख्वाब, खास अल्फाज जो आप इसके अंदर सीखेंगे वो कुछ ऐसे हैं। मरकज़ी, मरकज़ी इंग्लिश में से कहते हैं सेंट्रल, मतलब कि जो ख़ास बात होती है जिसके इर्द गिर्द पूरी कहानी घूमती है उसे कहते हैं मरकज़ी। मरकज़ मतलब कि उसका जो सेंटर होता है। दूसरा जो ख़ास लफ्ज़ है इसके अंदर मरकज़ी के बाद वो है जनजोड़ा। जनजोड़ना का मतलब होता है खूब अच्छी तरह हिलाना, ताकि कोई अगर सो रहा है तो उसको जगा दिया जाए, तो उसे झंझोड़ना मतलब कि खूब अच्छी तरह हलाना। दिलचस्प मतलब इंटरेस्टिंग, जिसके अंदर आपका ज़ोको शौक बढ़ जाए उस काम के अंदर, तो उसे कहते हैं दिलचस्प। दलान, दलान ये बड़ा सा एक कमरा या एक जो बड़ा सा हॉल होता है उसे कहते हैं दालान। तारीखी, जो पुराने दौर से ताल्लुक़ रखती हों, चीज़ें, किताबें, इमारतें, उन सबको तारीखी बोलेंगे। तारीखी, ये इसके अंदर जो है ख़ास अल्फाज हैं जो हम इस्तेमाल करेंगे। तो आइए अब इसकी हम रीडिंग शुरू करते हैं जी। जैन नाम है लड़के का, चौथी जमात का तालिब इलम है, जिस तरह आप लोग चौथी जमात के तालिब इलम हैं, और इसे पुरानी इमारतों के बारे में पढ़ने का, पुरानी इमारतों के बारे में पढ़ने का बहुत शौक है। तो बेटा बुक रीडिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपने भी, आपको जो बुक मिलती है अपने कोर्स की बुक्स के अलावा, उनको भी पढ़ने की कोशिश किया करें। इससे आपका नॉलेज बढ़ेगा और साथ साथ आपके जो पढ़ने की सलाहियत है अल्फाज को, वो भी अच्छी हो जाएगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है जो बुक्स हैं वो आप लोगों को एक अच्छा आदमी, अच्छा इंसान और बड़ा आदमी बनाने में बहुत अहम रोल प्ले करेंगे। तो बुक्स से प्यार करें, किताबों से प्यार करें, और लाजमी बुक्स जो हैं अपने कोर्स के बुक्स के अलावा भी कोई ना कोई पढ़ा करें। किसी लाइब्रेरी के अंदर अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं, कोशिश करें करीब तरीन जो लाइब्रेरी है वहाँ आपने जाना है। चलिए अभी आप थोड़े छोटे हैं तो कुछ देर बाद से ही, लेकिन ये काम आपने लाजमी करना है। एक दिन जैन स्कूल की लाइब्रेरी से, तो स्कूलों के अंदर भी आम तौर पर लाइब्रेरीज होती हैं, हमारी लाइब्रेरी का भी इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है वो हम रख देंगे, बुनियाद रख देंगे, तो आप यहाँ से भी अपनी बुक्स लेकर बारो करके पढ़ के तो वापस कर सकते हैं जी। लाइब्रेरी से एक बहुत दिलचस्प किताब लेकर आया, दिलचस्प जो बड़े शौक से पढ़ी जाए, जिसके अंदर आपका दिल लग जाए। दिलचस्प मालूमात थी, किताब लेकर आया। इस किताब में लाहौर की तारीखी इमारतों के बारे में दिलचस्प मालूमात थी। जैन ने अपने कमरे की खिड़की के पास, अपने कमरे की खिड़की के पास बैठकर किताब पढ़ना शुरू की। थोड़ी देर बाद जैन ने किताब बंद की और आंखें बंद करके शाही किले किले के मुतालिक सोचने लगा। तो आपको पता है लाहौर के अंदर एक शाही किला भी है, जहाँ पर आप जा सकते हैं, विज़िट कर सकते हैं, बादशाही मस्जिद के पास ही है बिल्कुल। तो वो उसके बारे में सोचने लगा, क्योंकि उस किताब के अंदर शाही किले का जिक्र था। नेक्स्ट पेज पे आ जाए बेटा, पेज नंबर 81 है। अभी जैन अपनी सोचों में गुम था कि इसे शोर की आवाज़ आई। जैन ने आंखें खोली तो एकदम चौंक गया। एकदम चौंक गया मतलब कि यकदम, जो आप आंखें खोलते हैं तो
आप जो है वो एक दफ़ा हैरान होते हैं, हैरानी की जो कैफियत है ऐसे बोलते हैं चौंक जाना। क्योंकि वो अपने कमरे में नहीं था, जैन ने सामने वाली दीवार की तरफ देखा, सामने वाली दीवार की तरफ देखा जो खूबसूरत बारीक ईंटों की बनी हुई थी। जो कुछ बारीक ईंटें भी इस्तेमाल होती हैं तो वो जो दीवार है वो बारीक ईंटों से बनी हुई थी, जैसे जिसे हम आम अल्फाज में टाइल भी कहते हैं। जैन अभी यही सोच रहा था कि इसने ये ईंटें कहाँ देखी, जैन अभी यही सोच रहा था कि इसने ये वाली, मतलब कि वो ख़ास जो बारीक ईंटें हैं उसने कहाँ देखी, कि इसे किताब में मौजूद शाही किले की तस्वीर याद आ गई। तो उसे याद आ गया कि शाही किले की एक जो तस्वीर है उसके अंदर भी इस तरह की बारीक ईंटें इस्तेमाल हुई हैं। अचानक इसे किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई दी, तो यकदम से अचानक यकदम से फौरन के आस्ता आस्ता नहीं, अचानक कोई चीज़ आ जाए यकदम से आ जाए तो उसे बोलते हैं अचानक। अचानक इसे किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई दी, पता लगा कि कोई आ रहा है। जैन ने घबरा कर इधर उधर देखा और एक बड़े गुलदान के पीछे छुप गया। एक बड़ा सा गुलदान वहाँ पड़ा हुआ था, उसने देखा कि कोई आ रहा है तो वो छुप जाता है। तो आज हम इतने पढ़ रहे हैं जी, बाकी रीडिंग हम इंशाल्लाह हम कल के लेक्चर में करेंगे। अल्लाह हाफिज़।